हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए नए चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको हरे प्याज का ये परांठा बनाऊँगी। यह हरा प्याज मैंने काटा है पतला पतला। आजकल हरा प्याज बहुत आ रहा है, तो मैं हरा प्याज का परांठा बनाऊँगी। हरा प्याज और इसमें मैं मूली डालूँगी, मैंने कद्दूकस करी हुई, और ये गाजर मैंने पतले में दो गाजर कसे हैं, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, और स्वाद अनुसार नमक, और दो हरी मिर्च पतली पतली मैंने काटी है वो डालूँगी, और इसमें आटा मिलाऊँगी, क्योंकि आटे में पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसी में काफ़ी नमी है, तो मूली में भी काफ़ी पानी होता है और गाजर में भी, तो ये इसमें ही मैं डो इसके ही डो बनाऊँगी। इसमें सब मिला आटा मिला के इसके ही डो बनाऊँगी मैं, तो धीरे धीरे इसमें डालूँगी मैं आटा। और इसमें मैं गाजर डालूँगी, और इसमें ये मैंने मूली कसी उसको डालूँगी, इसका मैं परांठा बनाऊँगी, क्योंकि इसका परांठा बहुत ही पौष्टिक होता है, और आज तो हरे प्याज आया तो उसका वो भी बहुत बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। मैं सूखे प्याज की जगह हरा प्याज डाल रही हूँ, और ये इतनी आधी चम्मच में अजवाइन डालूँगी, और दो हरी मिर्च पतली पर कटी हुई, और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और एक चुटकी अजवाइन अजवाइन डालूँगी, क्योंकि अजवाइन से ये हींग से और अजवाइन से दोनों से हजम हो जाता है, और गैस्ट्रिक वगैरह भी नहीं होती, तो ये हींग मैं ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए मैं इसको इसका डो बनाती हूँ। इसमें मैंने सब कुछ मिला दिया, तो इसका मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, और जितना भी इसमें और आटा जाएगा तो उसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसी से मैं इसका डो बनाऊँगा। पानी का मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। एक कटोरी आटा लिया है, बड़ी कटोरी, जितने भी इसमें जाएगा उसी हिसाब से आप लीजिए, जितने भी आप परांठा बनाए उसी हिसाब से आपको लेना है, और इसी में अच्छे आटे को गूंद के इसका मैं डो बनाऊंगा। दोस्तों ये अब मैं इसका डो तैयार कर रही हूँ, और अच्छे से इसको मैं गूंद लूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने, और एक कटोरी आटा आप जितना भी आप बनाएंगे सामान उसके हिसाब से आपको पानी डाल ये आटा डालना है, क्योंकि आटा से ही ये मतलब डो का बन जाता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ही काफ़ी पानी होता है अंदर और नमी होती है, तो इससे गुन जाता है आटा, और इसके परांठे बहुत ही पौष्टिक होते हैं, इसको मैं
अच्छे से गूंद लेती हूँ क्योंकि, और इसको टाइट अच्छे से नरम आटा गूंदती हूँ। दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा 1 स्पून घी डालूँगा ताकि अच्छे से ये हो जाए सही, क्योंकि ये चिपकता चिपक रहा है तो घी डालने से ये थोड़ा सा अच्छे से सही हो जाएगा, इसका डो अच्छा बन जाएगा। तो मैंने इसको घी डाल दिया तो ये अच्छे से सिमट गया और इसका डो अच्छे से बन गया। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए आधा मिनट के इसको इस तरह थोड़ा छोड़ देती हूँ। आधा मिनट के इसको ऐसे छोड़ देती हूँ, फिर इसके परांठे बनाऊंगा। दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा डो बन के तैयार हो गया और ये एकदम बहुत ही कलरफुल बना और बहुत ही पौष्टिक है। चलिए अब मैं इसका परांठा बना कर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अब ये मेरा तवा गर्म हो गया तो मैं इसको गैस को धीमा कर देती हूँ और परांठा बेलना शुरू करती हूँ। तो मैं धीमे बनाऊंगी देसी घी में और थोड़ा सा हाथ में मैं घी लगा लेती हूँ और इसको आप परांठे की शेप में भी बना सकते हो और गोल भी, रोटी के जैसे गोल भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको एकदम पतला भी बेलूंगा बस। मैंने बेल लिया पतला तो अब मैं इसको बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही कलरफुल होता है परांठे। मैंने गैस थोड़ा मीडियम कर लिया
प्याज का मीडियम रख ताकि परांठा अच्छे से सिक जाए और जले भी ना। जब तक ये सीख जाए तो मैं दूसरा परांठा बना रही हूँ। जैसे ये परांठा तैयार हो गया तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरा परांठा बनाती हूँ, वो मैं दूसरी तरह से आपको बताऊंगी कि कैसे इसको आप चकोर भी बना सकते हैं, ये तिकोन जो भी आप शेप देना चाहें। तो मैं इसको इसमें अंदर घी लगाऊंगी और फिर इसको इस तरह मोड़ लूंगी। तिकोन इसको तिकोन शेप में भी बना सकते हैं, तिकोन शेप में भी बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा आटा लगा लीजिए ताकि चिपके ना। तिकोन में भी आपका परांठा अच्छे से सिक जाएगा क्योंकि अंदर भी जो इसके परत होती है और भी अच्छा बन जाएगा। थोड़ा इसका ध्यान रखें, थोड़ा इसमें आटा लगाना पत्थर लगाएं ताकि चिपके ना। ठीक है, हमारा परांठा तैयार हो गया। तिकोन शेप का तिकोन, ये परांठे भी बहुत करारे बनते हैं तिकोन वाले भी, और किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। दोस्तों इसका परांठा जो है देखिए बहुत ही पौष्टिक और
कलरफुल बन रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। मैं वैसे घी में बना रही हूँ, आप जो भी आप जिस जो भी आप खाते हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा घी में मुझे ज़्यादा इसका स्वाद ज़्यादा आता है तो मैं इसको घी में बना रही हूँ। थोड़ा इसको ऐसा दबा के और अच्छे से इसको सेक लें धीमी आँच से। दोस्तों ये अब परांठे सब तैयार हो गए और मैं गैस को बंद कर देती हूँ, निकाल देती फाइनली। दोस्तों ये अब परांठे सब तैयार हो गए और ये मैंने धनिया पुदीना और प्याज और टमाटर की चटनी बनाई है इसके साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, देखिए बहुत ही कलरफुल है। और मैंने ये जो तिकोन परांठा भी बनाया था और गोल भी जो भी आप शेप में बनाना चाहें जो बना सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं, तो आप इनको ज़रूर बनाएं और नए नए चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।